आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं खंडवा इंदौर बाईपास। इस बाईपास पर गुजरने के बाद में बाएं हाथ पर मुक्तिधाम जाने के लिए रास्ता है और दाएं हाथ पर कब्रिस्तान जाने का रास्ता है। यहीं पर मुक्तिधाम और कब्रिस्तान के बीच के जो ग्राउंड है उसी ग्राउंड पे नगर पालिका परिषद हरदा के द्वारा बरसों से सैकड़ों टन कचरा प्रतिदिन फेंका जा रहा है। इसी कचरे को लेकर हमने NGT में यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया है, जिस पर हरदा खिरकिया और टिमनी नगर पालिकाओं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने करोड़ों रुपए का जुर्माना भी किया है। बात केवल कचरे की नहीं है, बात गोवंश की भी हम कर रहे हैं कि यहाँ फेंका जाने वाला सैकड़ों टन हरदा का दूषित कचरे को सैकड़ों की संख्या में गोवंश यहाँ पर कचरे को खा रहा है। वो कचरे को खाने से गोवंश प्लास्टिक की थैली भी खाने को मिल रही है वहाँ और कचरा भी मिल रहा है। वो कचरे में लिपटी हुई प्लास्टिक की थैलियाँ गोवंश जो खा रहा है उसको खाने से कई गोवंश वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। नगर पालिका परिषद हरदा के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद हरदा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कलेक्टर, SDM, विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री सभी के संज्ञान में ये बात होने के बावजूद कोई भी गोवंश की रक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है। आज हमने फिर से इस मुद्दे को जनता की अदालत में पेश करने का दुस्साहस किया है। इसी कचरे को लेकर नगरपालिका परिषद हरदा ने लाखों रुपए का कचरा परिशोधन के लिए प्रयागराज की एक कंपनी को कॉन्टेक्ट दिया था। उस कंपनी ने उसके हिस्से का जो काम था वो करके और यहाँ से चली गई है, लेकिन कचरा आज भी नगर पालिका परिषद के द्वारा डाला जा रहा है और उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं अग्नि चक्र, मेरे साथ ग्राउंड जीरो से इम्तियाज अली। बांध दिया ना।
ऐसे बनेगी गौ माता राष्ट्र माता। यहाँ देख सकते हैं ये अभी हम हरदा में इंदौर खंडवा बाईपास पर मुक्तिधाम और कब्रिस्तान बीच में जो ट्रेचिंग ग्राउंड है वहाँ पर ये दृश्य आप देख सकते हैं कि हरदा शहर का सैकड़ों टन जो कचरा है वो नगरपालिका परिषद हरदा द्वारा यहाँ पर डाला जा रहा है, लेकिन कोई भी बाउंड्री या फेंसिंग नहीं होने की वजह से हरदा का अधिकतर गोवंश यहाँ पर हरदा का दूषित कचरा खाने को मजबूर है। नगरपालिका परिषद हरदा के खिलाफ हमने इसी कचरे को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज करवाया, जिस पर राष्ट्रीय हरित न्यायालय ने हरदा नगरपालिका पर, टिमरनी नगरपालिका पर और खिरकिया नगरपालिका पर करोड़ों रुपये का जुर्माना भी किया है। लेकिन इस गोवंश की रक्षा और इस गोवंश की सुरक्षा के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर कदम उठाने को तैयार नहीं है। एयर कंडीशन में बैठे हुए अधिकारी, उनको इस गोवंश की कदापि चिंता नहीं है। देखिए कि कितना दूषित कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस वक्त हम जब ये शूट कर रहे हैं तो हमारी अपनी सांस लेते हमको ठीक से नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ का पूरे शहर का निकला हुआ गंदा कचरा खाने को ये गोवंश मजबूर है। क्या कारण है कि ये पूरा की पूरा गोवंश यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है। अभी पिछले दिनों ही ऐसा मालूम हुआ है कि नगरपालिका परिषद हरदा के द्वारा प्रयागराज की किसी कंपनी को ये कचरा परिशोधन हेतु ठेका दिया गया, लेकिन वो पीछे जो ढेर दिखाई दे रहा है वो प्रयागराज की जो कंपनी थी उसी ने उस कचरे को परिशोधित किया है। लेकिन उसके बाद में ये जो ताज़ा कचरा दिखाई दे रहा है, इस कचरे को लेकर कोई भी प्रभावी कदम ना तो जिला प्रशासन और ना ही नगर प्रशासन और ना ही हरदा का जो अपने आप को गोवंश रक्षक कहते हैं उनकी ओर से कोई कदम उठाया गया है। ये आगे हम जूम करके दिखा रहे हैं, कचरे के बीचों बीच ये गोवंश वहाँ पर भी शताधिक संख्या में बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। ये क्या दुर्दशा हो रही है गोवंश की, ये दर्शक खुद ही देख सकते हैं। ये जो रास्ता है ये खंडवा इंदौर बाईपास के बीच से होकर नाहलखेड़ा सामरदा आदि को जाता है। इसी रास्ते पर भी गोवंश और हरदा का जो दूषित कचरा है वो यहाँ पड़ा रहता है। कैसे लोग यहाँ से गुजरते हैं ये उनके दिल का हाल वही जानते हैं। यहाँ से गुजरना जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं लोग, और यही दूषित कचरा जब यहाँ से खंडवा इंदौर बाईपास से जो वाहन गुजरते हैं दोपहिया चार पहिया वाहन, उनको भी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत जाती है। जब इनको गुजरने वालों को दिक्कत जाती है तो हरदा की सबसे पुरानी बस्ती यह है, यहाँ पर इसको कहते हैं खेड़ी महमूदाबाद। 5000 से अधिक की संख्या में यहाँ की जनसंख्या है इस खेड़ी महमूदाबाद की। तो यहाँ के रहने वाले नागरिक किस प्रकार से 12 महीने इस दुर्गंध को सहते हुए कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये कोई अधिकारी एक घंटा इस कचरे के समीप रहकर बता दे तो हम मान जाएंगे कि निश्चित ही वो संवेदनशील है और उसमें मानवीयता बची है। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर गाय और सुअर ये पूरा दूषित कचरे के ढेर को कुरेद कुरेद के और यहाँ खाने में लगे हुए हैं।
ये क्षेत्र हरदा बाईपास रोड का जो खंडवा इंदौर बाईपास है, ये मुक्तिधाम और कब्रस्तान के बीच का नगर पालिका का ट्रेचिंग ग्राउंड है। अब इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हमारे याचिका पर, हरदा नगर पालिका पर करोड़ों रुपए का जुर्माना हुआ, उसके बावजूद भी नगर पालिका यहाँ कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रही है। और ये जो सामने का दृश्य है, ये बड़ा हृदय विदारक दृश्य है। देखिए गोवंश के किस तरह से यहाँ का कचरा खाकर और अपना पेट भर रहा है। गोवंश रक्षकों को भी इस गोवंश की सुधि नहीं है, गौपालकों को तो सुध इसलिए नहीं है कि अब ये गौवंश उनके किसी काम का नहीं है, इसलिए उन्होंने आवारा छोड़ दिया। यहाँ पर ना गौवंश रक्षक दिखाई दे रहे हैं और ना ही प्रशासन नगरपालिका के लोग, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, एनजीटी ने करोड़ों रुपए का इसी कचरे को लेकर नगरपालिका हरदा पर जुर्माना किया है, लेकिन नगरपालिका आज तक इस कचरे का स्थानांतरण यहाँ से नहीं कर पाई है। केवल नाम मात्र की खाना पूर्ति करके और नगर पालिका अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेती है। सैकड़ों की संख्या में गोवंश यहाँ पर हरदा नगर से निकला हुआ ये दूषित प्लास्टिक की थैलियाँ खाकर अपना उदर पोषण करता है, और यही दूषित प्लास्टिक की थैलियाँ खाने से काल कवलित भी हो जाता है।
काटो। बच्चों को भी सिखा दी तुमने दावा पे चटा है ना पूरे अच्छा जरूरी है आईटीआई में क्या हाँ जरूरी है। नहीं नहीं भैया अभी से क्या बच्चा को करना जरूरी है घुमाना नहीं धीरे 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 बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये सब पिक्चर देखते ना मैं रील जब ना धीरे धीरे इस टाइप की शेर किस हिसाब से बढ़ा है ना उस हिसाब से लकड़ी